अभी जो कोई भी लड़का मिलेगा उसको 1 करोड़ की गाड़ी दे दूंगा। 1 करोड़ की गाड़ी दोगे? 1 करोड़ की गाड़ी दे दूंगा, 2 करोड़ रुपये उसको चाहिए तो नगद दे दूंगा, लेकिन बस वो हमारी बच्ची का ख्याल रखे और उसे संभाल सके। हेलो दोस्तों, मैं आज आया हूं अंकल जी की फैमिली के पास। अंकल जी ने मुझे बुलाया था यहां पे, तो पूछते हैं अंकल जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, किस लिए मुझे बुलाया है? हमारी लड़की है, अच्छा शादी करवाई थी, अच्छा अच्छी खासी जगह पे शादी करवाई थी, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो लड़का कैसा है। अच्छा। तो लड़का बहुत शराब पी पी के लड़की को मारता भी था। अच्छा। और वो इतना खराब मगज का है कि कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमने उसका डाइवोर्स कर दिया है। उसके साथ उसका डाइवोर्स हो गया है। अच्छा। तो वो बच्ची का, हमारी बच्ची का डाइवोर्स हो गया, अभी हम दूसरा अच्छा लड़का ढूंढ रहे जो इस छोटी सी बच्ची को सहारा दे सके, उसको पाल सके। और अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी, मेरी बच्ची। अच्छा, तो आपका हस्बैंड वो था, वो परेशान करता था आपको? हाँ, रोज का उनका नाटक हो गया था, शराब पी के आना, यहाँ वहाँ पैसे उड़ाना। अच्छा। बहुत परेशान करता था, सारा असर इस बच्ची पे जाता था, तो मैं नहीं जिंदगी ऐसे इंसान के साथ बिता सकती। अच्छा, तो आपका डिवोर्स हो चुका है? हाँ, हो चुका है। अच्छा, तो अभी आपको कैसा लड़का चाहिए, कैसा आप चाहती हो बता दो वीडियो में, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको सोशल साइट पे डालूंगा अपनी पे, तो हो सकता कोई यहाँ से आपको कांटेक्ट कर ले। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि काबिल तो मैं खुद हूँ, मेरी 1.5 लाख सैलरी है, मैं खुद अपनी बच्ची को ध्यान दे सकती हूँ, पाल सकती हूँ, बट मुझे मेरे लिए ऐसा हमसफर चाहिए जो मुझे संभाल सके, साथ साथ मेरी बच्ची का भी भविष्य बना सके। बस क्या कहें, जो बच्ची है ना उसका भी वो सहारा बन सके। अच्छा। और अच्छा लड़का हो और बस उसका सहारा बन सके। अच्छा, आंटी आप बोलो कुछ, आपको कैसा वो चाहिए, कैसे बेटी को संभाल सके और ना ये उसको कुछ परेशान ना करे, बस सके। अच्छा, कोई लड़का मिलता है, कॉन्टेक्ट करता है, तो आप उसकी कुछ डिमांड होगी तो आप क्या क्या उसको दोगे, क्या क्या डिमांड उसकी पूरी कर सकते हो आप वो बता दो। इस जो लड़का इसके लिए कोई यहाँ पे आएगा तो आप लोगों ने बुलाया है, मैं अब ये वीडियो डालूंगा तो कमेंट तो आएंगे, नंबर भी डालेंगे दुनिया की, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो क्या क्या आप उसको दोगी, क्या क्या आप उससे चाहती हो, कैसा लड़का चाहिए आपको? जो चाहिए वो हम उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन बस फर्क इतना है कि हमारी बच्ची से जो छोटी बच्ची है ना उसको आधार और सहारा दे और उसका ध्यान रखे, ख्याल रखे। मेरा पहले ही भविष्य बहुत खराब हो चुका है। सैलरी तो बच्ची की अच्छी है तो क्या, उसका भी कुछ नहीं है, लेकिन बस उसकी लड़की है, सब है उसका ही है सब। अभी जो कोई भी लड़का मिलेगा उसको 1 करोड़ की गाड़ी दे दूंगा। 1 करोड़ की गाड़ी दोगे? 1 करोड़ की गाड़ी दे दूंगा, 2 करोड़ रुपये उसको चाहिए तो नगद दे दूंगा, लेकिन बस वो हमारी बच्ची का ख्याल रखे और उसे संभाल सके और अच्छा, उसको कोई गलत आदत ना हो। अच्छा, इतना पैसा दे दोगे आप? हाँ। तो कैसा लड़का चाहिए, कोई शराब पीता हुआ चलेगा? नहीं, वो बताइए ना क्या क्या क्वालिटी लड़के में होने चाहिए, आप बताइए ना तीनों मिलके। अच्छा अच्छा लड़का होना चाहिए, उसके माँ बाप पिताजी ये नहीं उसके दादाजी सब अच्छे घर के हो, उसका नाम अच्छा, मतलब समाज में उसका अच्छा नाम हो, अच्छा नाम हो, अच्छी इज्जत हो, ऐसा लड़का चाहिए। और उसको कोई आदत और खराब आदत नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो बच्ची का ध्यान रख सके। अच्छा, मतलब किसी कोई शादी शुदा होगा, किसी का डिवोर्स हो रखा होगा तो वो चलेगा उस टाइप का लड़का? लेकिन अच्छा इसको संभालने वाला चलेगा, सही, वो भी चलेगा, चलेगा आपको ऐसा लड़का? जी, मुझे है ना एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरा हमसफर बन सके, ताकि ऐसे लड़के नहीं चाहिए या फिर ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसका परिणाम मुझे मेरी बच्ची पे भुगतना। हाँ, जो आज मेरे साथ हुआ है इसके साथ, क्योंकि उसका असर बच्ची के ऊपर भी गिरता है। उसने जो अच्छा लड़का काबिल हो और सारी चीज चल जाएगी, पैसे वगैरह कोई किसी के पास, कोई ऐसा मान ले कोई लड़का ऐसा किसी के पास कुछ घर भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, उसके साथ क्या चलेगा? ख्याल रखे और वो करे, क्योंकि लड़की खुद अच्छा कमाए, लड़की की बच्ची को संभाल सके। आपका कोई लड़का नहीं है क्या, और कोई आप सिर्फ यही इकलौती लड़की है? तो आप कुछ घर वगैरह का भी बोल रहे थे कि उसके नाम घर भी करा दोगे, फोन पे किसने बोला, आपने ही बोला? घर भी है, प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, तो हम वो तक देने के लिए तैयार हैं, बस एक ईमानदार इंसान मिल जाए जो जिंदगी में एंड तक हमारे साथ दे, अच्छा लड़का होना चाहिए। तो दोस्तों देख लो, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट मैसेज नंबर डाल सकते हैं, ये फिर कॉन्टेक्ट कर लेंगे उनसे अगर आपको इनसे शादी करनी हो तो। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी शादी कुछ 8 साल पहले हुई थी। और ये बच्ची कितने साल की है? ये 4.5 साल। अच्छा, तो बस कंडीशन यही है कि वो इसको भी साथ में रखे। हाँ, बस यही है। चलो ठीक है दोस्तों, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको इनसे शादी करनी हो तो आप अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो।